जो मम्मी बोलने से मना कर देती है रियल में हाँ। वो हमने सब बोल दिया है वहाँ। शादी के बाद ऐसा लड़का बदल गया। बाकी तो चेंजेस आई थिंक अच्छे ही आ रहे हैं कि जैसे हमारी भाभी ने भैया को सिखाया कि क्योंकि हमारे पास अब एक पेट है तो हाँ। भैया को सिखा दिया गया है कि 10 बार हाथ धुलेंगे अगर 10 बार छूना है तो। फरहान की लास्ट की 2-3 फिल्में छोड़ दो तो तूफान उफान तो उसने बहुत ही बकवास बनाई है। That's the best thing, you know, about you both. I love it. कभी भी ऐसे तो लड़ाई नहीं हुई कि लात घूंसे चल गए। बट उसमें शो में हमने एक सीन था जो ट्रेलर में भी है जिसमें मैं भैया के ऊपर चढ़ के उनमें घूंसे बजा रही हूँ तो हमारे डायरेक्टर ने बोला कि नहीं भाई ये रियल नहीं लग रहे हैं घूंसे तो सच में मारते हो। मैंने मारा तो वो मुझे याद है कि हाँ मारपीट मजा आया। सलोनी एंड शुभम दोनों से मैं अलग अलग तरह से बात कर चुकी हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज दोनों साथ में मिले हैं और दोनों रियल लाइफ सिबलिंग्स हैं तो बहुत सारी बातें मेरे को है जो मुझे लगता है कि आज पता चलने वाली है दोनों से रिलेटेड। सो पहले तो ये बताओ कि आप दोनों एक्साइटेड हो आज बात करने के लिए या फिर नहीं? बहुत ज्यादा एक्साइटेड सुपर एक्साइटेड है। ओके सो भाई बहन वर्सेस द वर्ल्ड एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। अगर आप दोनों मुझे किसी और शो में या किसी और प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहे होते जहां पर आपकी कहानी भाई बहन वाली नहीं होती तो शायद मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड होती। बट क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कई सारे रेफरेंसेज जो आपकी रियल लाइफ से निकले होंगे तो मुझे लगता है बात करने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। क्यों? So, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि भाई बहन वर्सेस द वर्ल्ड में भाई बहन एक ही टीम में होने वाले हैं या दोनों के बीच में वो जंग जारी रहेगी? आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम तो दे आर टुगेदर ओनली। यही हमने दिखाया है कि वो कॉन्सेप्ट तो काफी दिखाई दिया कि भाई बहन आपस में लड़ते रहते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जिनके अगेंस्ट उनको यूनाइट होना पड़ता है। रिश्तेदारों के ताने हो गए और फैमिली से बच के उन्हें कुछ कुछ चीजें करनी होती हैं, तो हमने ज्यादा वही चीजें दिखाई हैं कि उन चीजों के अगेंस्ट ये लोग यूनाइट हो रहे हैं जिनके साथ साथ में ही डील करना पॉसिबल है, ऐसे अकेले अकेले तो नहीं कर सकते। बाकी लड़ भी रहे हाँ लड़ भी रहे हैं। हैं। वो तो हमें ट्रेलर में दिखे गया था कि लड़ाई भी हो रही है कहीं ना कहीं और दोनों जैसे रियल लाइफ भाई बहनों में लड़ाइयां होती है बिल्कुल वैसे ही है। तो कितने साथ किस लेवल तक या फिर मैं पूछूं कि किस परसेंट तक आप दोनों के जो रेफरेंसेस हैं इस शो में वो रियल लाइफ से निकले हुए हैं? आई थिंक रेफरेंसेस तो हाँ पूरी तरह रियल पूरा ही लाइफ है। से ही है, बस ये है कि हमें क्योंकि फिक्शनलाइज करने की पूरी फ्रीडम है जब हम एक फिक्शनल शो बना रहे हैं, तो हम थोड़ा उनको और वाइल्ड लेके चले गए। रियल लाइफ में उतना वाइल्ड जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मॉरल्स और एथिक्स ये सब आड़े आ जाते हैं, बट क्योंकि ये शो बना रहे थे हम तो पूरी लिबर्टी थी हमारे पास, तो काफी वाइल्ड गए हम। बेसिकली हाँ जो मम्मी बोलने से मना कर देती है रियल में वो हाँ हमने सब बोल दिया है वहां। ओके तो बहुत सारी चीजें जो चाहते थे बोलना बट इस शो के थ्रू आप दोनों ने एक दूसरे को बोली है दैट मींस। अच्छा एक बात तो दोनों ही इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हो चाहे कोई भी कैरेक्टर हो दोनों का। कभी ऐसा होता है कि रिश्तेदारी में क्योंकि अब रिश्तेदारों से तो मिलना होता है यू जस्ट कैन नेवर इग्नोर देम। कभी कभी चलता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू कांट इग्नोर देम इवन इफ यू वांट टू। तो जब रिश्तेदारी में बैठे होते हो कभी रिलेटिव साथ में तो कभी ऐसा होता है कि तू ये वाली एक्टिंग करके दिखा या तू ये वाली एक्टिंग करके दिखा ऐसा कभी कुछ होता है जब दोनों से कुछ ना कुछ बोले जाते हैं क्योंकि दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है भैया एक्टिंग। से तो सब लोग डर के रहते हैं पता नहीं कैसा इन्होंने अपना वो बनाई हुई है इमेज। इनसे कभी कोई कुछ नहीं कहता है। आई थिंक वो यही है कि मैं छोटी हूँ तो सब ऐसे पकड़ लेते हैं कि ये छोटी है ये तो कर ही देगी। तो मेरे ऊपर ये हमेशा प्रेशर होता है कोई भी कहीं पकड़ के कि कुछ करके दिखाओ ये मिमिक्री करो। अब ज्यादा भैया मिमिक्री कम करते हैं थोड़ी तो मेरा एक ये है भी कि हम रिश्तेदारों की भी कर देगी तो पकड़ पकड़ के मुझसे कि मामा की करो मामी की करो। हाँ वो मेरे साथ ज्यादा होता है भैया के साथ नहीं होता। शो में ऐसा क्यों है यार ये तो गलत बात है। मुझे सुन के अच्छा लगा कि मैंने अपनी हाँ ऐसी इमेज बना रखी थी, तो मुझे अच्छा लगा सुन के। मैं चाहता हूँ डर के रहें लोग मुझसे। जैसा एक बात सबसे बताओ सबसे ज्यादा लड़ाई रियल लाइफ में तुम जब आप दोनों घर में होते हो सबसे ज्यादा लड़ाई किस टॉपिक के ऊपर होती है? ये हमारी आपस में उतनी नहीं होती है, हमारी ज्यादा इस चीज को लेके होती है साफ कि सफाई के ऊपर ही होती है हमारी बेसिकली तो। हम अगर आपस में होती है तो वो तो साफ सफाई या फिर कुछ मेरी केयरलेस और हरकत हो गई। आई डोंट थिंक सलोनी के एंड पे तो कभी कुछ कमी या गलती होती है, ज्यादातर मेरे एंड पे होती है तो उन्हें लेके होती है। बट उससे भी ज्यादा लड़ाई हमारी वो होती है कि जो हमें बाकी दुनिया में कमियां लग रही होती है वो हमें सेम लग रही होती है कि ये लोग ऐसे क्यों हैं। जैसे स्टूपिडिटी हमें बर्दाश्त नहीं है किसी की भी, तो हम बड़े गुस्सा हो जाते हैं और घर वाले हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो ठीक है चलता है इग्नोर कर, तो हमारी उनसे लड़ाइयाँ ज्यादा हो जाती है कि क्यों बर्दाश्त करें हम। वो लड़ाइयाँ हमारी ज्यादा होती है, अदरवाइज आई थिंक ऐसे आपस में तो उतनी नहीं होती है, जो होती भी है वो मेरी गलतियों की वजह से ही होती है। चलो एक्सेप्ट किया सलोनी यहाँ पर इन्होंने। ये अच्छे भैया बनने का एकदम की सारे पॉइंट्स ले जाए।
अच्छा तो अब तो बड़े हो गए हो, अब तो दोनों, अब तो यहाँ पर बाय द वे शुभम की शादी भी हो गई, सो कांग्रेचुलेशंस शुभम ऑन दैट। और यू। सलोनी अब सच बताना कि भाई कितना बदला है शादी के बाद। मम्मी बोलती है कि अब बेचारा ऐसे शांत शांत सा रहता है ऐसा मम्मी बोलती है। अब बाकी आपने थोड़ी नोटिस नहीं किया? नहीं, मुझसे तो काफी बोलते हैं, अभी भी उतना ही बोलते हैं, मम्मी को लगता है कि अब बैठा रहता उनसे है। उनसे पहले भी क्या ही बोलता था, मैं उनसे क्या बातें करूँ, मेरे उनके कुछ इतने कॉमन इंटरेस्ट है नहीं, काम से काम हाँ की बात पहले भी करता, अब उनको लगता होगा कि ऐसा हो गया है अभी भी कुछ देर पहले भी बोल रही थी, तगा तगा सा लगता है, चुप चुप सा रहता है। ये ना कॉमन चीज होती है आई थिंक हर एक के घर में कि बाकी शादी के बाद ऐसा लड़का बदल गया है। तो चेंजेस आई थिंक अच्छे ही आ रहे हैं, कि जैसे हमारी भाभी ने भैया को सिखाया कि क्योंकि हमारे पास अब एक पेट है, तो हाँ भैया को सिखा दिया गया है कि 10 बार हाथ धुलेंगे अगर 10 बार छूना है तो। भैया वाह, थोड़ा हाइजीन फिलोसफी वाइजीन का आ रही उल्टा, है लाइफ में। अच्छी चीजें ही आ रही है लाइफ में। चलो ये अच्छी बात है, दैट्स अ गुड ट्रेट डेफिनेटली। अच्छा अब एक बात बताओ, दोनों यार पहली बात तो ये कि दो भाई बहन, रियल भाई बहन, आई थिंक मेरे दिमाग में फिलहाल अभी कोई एकदम ऊपर ऊपर नाम नहीं आ रहा है जो दोनों ही सेम फील्ड में हो, कंटेंट क्रिएटर हो, दोनों ही एकदम एक्टिंग में हो, दोनों क्यों? अब सच बताओ बचपन से ही एक्टिंग का कीड़ा था या एक को पहले था और एक को बाद में आया? एक तो मैं रियल लाइफ बताए थे, फरहान अख्तर जोया अख्तर हैं, हाँ दोनों ही कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आई थिंक डिसेंट भी हैं, अगर फरहान की लास्ट की 2-3 फिल्में छोड़ दो तो। अरे तूफान उफान तो उसने बहुत ही बकवास बनाई है। हाँ क्या है, That's तो the best thing you know about you both. I love it. I really love it. फरहान को भी पता ही होगा कि ये क्या, मैं दिल चाहता है भी बना देता हूँ, रॉक ऑन भी बना देता हूँ, फिर ये क्या बना दिया मैंने, तो उसको भी पता होगा, वो तो दिल की। क्या दुकान अमेज़न पर ही है ना? हाँ अमेजोन पर ही है तो क्या, अमेजोन उसमें कोई बात नहीं है, अब ये मेरी सब्जेक्टिव चॉइस भी हो सकती है, हो सकते हैं बहुत अच्छी फिल्म हो, मैं इतना डम हूँ कि मुझे समझ ना आई, मैंने तो देखी नहीं है, मुझे तो डिलीटेड सीन्स सबको की लगते देना हैं भाग मिल्खा भाग के, कि चाहिए जो वहां से बच गई इसकी प्रैक्टिस वगैरह वो यहीं हाँ लगा दी, ट्रेलर में तो देखा घर है नहीं ना। बना लो। हाँ तो बाकी हाँ एक्टिंग का तो मैं बड़ा हूँ तो आई थिंक पहले मेरे को लगा, और एक्टिंग से भी ज्यादा वो था कि मतलब मैं तो अटेंशन सी करूँ ऑनेस्टली, मैं कहूँ कि कुछ भी ऐसा करना जिससे मुझे मेरी क्लास की, मेरे स्कूल में लोगों की अटेंशन मिल जाए, तो और कुछ स्किल तो मेरे अंदर थी नहीं कि मैं स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा हूँ या पढ़ाई में सबसे अच्छा हूँ, तो मुझे लगता था कि वैसे मैं कुछ बातें ऐसी कर लूँ जिससे सब लोग हंस दें, और वो हंसते थे उनकी अटेंशन मिलती थी, मैं उनका फेवरेट बनता था, उसमें मुझे मजा आता था, मेरा तो ऐसे शुरुआत हुई। बट भैया हाँ कह रहे कि वो शुरू से ही इस सब में बहुत एक्टिव थे, मैं तो पहले शर्माती थी, बट भैया की फोटो है कि जब वो इतने से हैं नर्सरी वर्सरी में तो सनफ्लावर बन के गए हुए हैं स्कूल वो बिल्कुल वो इमोजी जैसी आजकल चलती है, वैसे बन के गया था मैं मैं। काफी शर्माती थी इन सब चीजों से, बट भैया को देख देख के ही मेरा भी थोड़ा डर खत्म हुआ कि ये कर सकता था यार, मैं भी कर सकती हूँ हाँ सही बात है। तो अब दो क्रिएटर घर में हो गए हैं और घर में एक अलग ही तरह का माहौल रहता होगा नहीं आई हमारे यहाँ थिंक। तो मुझे लगता है 5 ही हैं एक्चुअली यार ट्रू 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 वेरी ट्रू, 5 ये सबको क्रिएटर बना दिया है, सबको इसी इसी एक ही लाइन में घुसा दिया अच्छे से। बट दैट्स ऑल्सो फन पार्ट यू नो, बिकॉज आपके सारे वीडियोस जितने भी स्केचेस आप लोग करते आए हो वो सारे बहुत रिलेटेबल होते हैं एंड सबसे बड़ी बात है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। तो अब ऐसी चीज है तो इसमें तो रियल लाइफ कैरेक्टर्स होने चाहिए ना कहीं ना कहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं बनता है मुझे लगता है। अच्छा सलोनी हमने एक फूड टूर किया था हाँ जिसमें आपने मेरे को बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें बताई थी, और इसमें एक बात ये भी बताई थी जहाँ पे हमने शुभम का जिक्र भी किया था कि शुभम का बहुत बड़ा हाथ रहा है आपके करियर में, और शुरुआत में तो उन्होंने आपकी बहुत ज्यादा मदद की थी शूट करने में, देन आप हर वीडियो उनको दिखाती थी एंड व्हेन ही यूज्ड टू गिव यू अप्रूवल तो फिर आगे आप चीजें करते थे, वो अभी भी होता है, वो अभी भी होता है, तो कोई भी अभी वीडियो भी मतलब मतलब बनती है तो ड्राफ्ट दिखाया जाता है। नहीं, हाँ मैं इसको ये तो बता ही देता हूँ कि क्या करना चाहिए, ज्यादा मेरा ध्यान इस पे रहता है कि क्या नहीं करना चाहिए, मैं अच्छा वो ज्यादा बता देता हूँ कि बट जैसे अभी भी भैया को, मेरे को ऐसा लगता है कि इनको एडिट वेडिट का मुझसे बहुत ज्यादा पता है, जैसे अभी भी मैं ये बेसिक गलतियां कर देती हूँ कि कहीं कुछ एक मतलब वो रिएक्शन अगर मैंने कहीं लगाया वो इतनी देर का नहीं लगना था, पर मुझे लगता है कि ये सही तो लग रहा है, फिर जब हाँ भैया मुझे बताते हैं कि नहीं ये यहाँ नहीं होना चाहिए तब मुझे रियलाइज होता है कि हाँ होना तो नहीं चाहिए था, तो वो चीजें अभी भी मुझे तो नहीं आती हैं। मतलब अभी भी फुल ऑन मुझे सपोर्ट बता है। दूंगा कि क्या हाँ नहीं ये होना नहीं चाहिए, करना क्या चाहिए नहीं ये करना बता चाहिए वही दे। ज्यादा बताता हूँ कि ये मत, हाँ ये सही नहीं लग रहा, अब बाकी पता तो भाई क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए कम लोग नहीं बताते करना हैं तो वाली वो चीज मैं जरूरी है। बताता हूँ, वो मैं हाँ बताता तो हूँ। अच्छा शुभम एक बात बताओ कि सलोनी का कौन सा कैरेक्टर है जो आपका फेवरेट है, जो आपको लगता है वो लाइक शी जस्ट नेल्स इट जब भी वो करती है? मुझे सारे सही लगते हैं, मुझे तो ऐसे मैं पिक एंड चूज नहीं कर सकता, पर नानू ऐसे हमने साथ में ही क्रिएट किया था, तब तो मैं पूरे हाँ प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ, तो वो मुझे सही लगता है कि वो मतलब रिलेटेबल भी क्या, वो तो अब वो है तो एक फिल्टर ही, लेकिन वो जीता जागता वो है, मतलब कि या
सबने वैसा बच्चा देखा है, या तो रहे हैं वैसे बच्चे या वैसे के साथ रहे हैं, तो वो एकदम ही मेरा उसलिए फेवरेट है। अच्छा, और आपका शुभम का मुझे एक बात बताओ सलोनी, आपकी आपकी कौन सी फेवरेट रील है शुभम की, या कौन सा ऐसा फेवरेट कैरेक्टर है जिसको देख के आपको बहुत मजा आता है पर्सनली? देन आई विल टेल माइन। मुझे तो भैया का वो एक तो वो जो स्टार्ट किया था वो गुजर वॉइस वाला, वो तो था ही, सबको अच्छा वो लगता तो था। सबको, हाँ बट वो तब जब किया था तब हमारे पास फोन नहीं था, तो उसकी जर्नी जैसे अभी भैया ने बोला ना कि नानू का उन्होंने शुरू से देखा, मैंने नहीं देखा था, तो उससे भी ज्यादा मुझे इनका बिलाल जुनैद वाला बहुत बढ़िया लगता था। वो बहुत लोगों ने पसंद वो किया है। देखा भी मैंने ऐसे था, फोन तब भी नहीं था मेरे पास, तो जिस स्कूल मैं वैन से स्कूल जाती थी, तो जो हमारे ड्राइवर थे वैन के, उनके फोन पर हम रास्ते में वो देखते हुए जाते थे कि अरे तुम्हारे भाई की वीडियो आई है, वो मुझे सुबह लगा के दे देते थे। हाँ तो उस उससे हाँ, अभी सारे बच्चे बिलाल जो रहे देखते हुए जा रहे हैं वैन में, तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत बढ़िया लगा था। और अभी रिसेंट वाले में तो भैया शोएब अख्तर वाला बहुत बढ़िया करते हैं, तो वो मुझे पसंद था। वो आई थिंक बहुत शेयरेबल वीडियोस इस तरह की बन रही है, जो शेयर की जा रही है, जमकर शेयर हो रही है। मेरे खुद के ग्रुप में बहुत लोग शेयर करते हैं, इसलिए मुझे पता है। और लेकिन मुझे ना शुभम का नोएडा बॉय वाला बहुत पसंद है, ऐसा लगता है वो बहुत नेचुरल, बहुत कैजुअल निकल कर बाहर आता है, तो वो चीज है। तो जितने अच्छा, सच से बात बताओ कि जब भी घर में ऐसे बैठे होते, क्योंकि रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं आपके मोस्टली सारे वीडियोस दोनों के ही कहीं ना कहीं, तो कभी ऐसा होता है कि कोई बैठे हुए और कोई सिचुएशन आ गई है दिमाग में कि इस पर कुछ करते हैं, तो दोनों की लड़ाई हुई है इस बात पर, या मैं इसके ऊपर बनाऊंगी, नहीं या मैं इसके ऊपर बनाऊंगी, कभी ऐसा हुआ कि सेम आइडिया के ऊपर दोनों तो की ये बहस हुई प्रॉब्लम हो? तो सॉल्व ही कर दी ना इंस्टाग्राम ने, कोलैब फीचर दे दिया, ये आ लड़ाई तो क्यों ही होगी, ये तो बस हम नोटिस करते हैं, दोनों पिक करते हैं, ये करना है ठीक या है। तो कुछ ऐसा होता है जो जैसे मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस के लिए वर्क नहीं करेगा, तो वो तो मैं इसको ही दे देता हूँ कि तू डाल दे, हाँ मेरी पे चलेगा नहीं। या कुछ ऐसा होता है जो लगता है कि दोनों की देखेगी, तो वो हम साथ में ही बना देते हैं, फिर वो प्रॉब्लम तो है ही नहीं। हाँ क्योंकि आपकी कोलैब वीडियोस बहुत चल रही है और लोगों को बहुत पसंद आती है, मुझे अभी भी याद है, ऑन द टॉप ऑफ माय माइंड इज रक्षाबंधन वाला वीडियो। तो हाँ कोलैब वाले वीडियोस तो आपके जमकर पसंद किए जाते हैं, ऐसे था वो दो भाई बहन आ गए, अब तो हंसी हंसी है बस, ऐसा लगता है। तो अब दोनों को ये इम्पोर्टेंट है प्लीज, यहाँ पर सलोनी को कोई भी कैरेक्टर शुभम बोलेंगे कि ये वाला मिमिक करके दिखाओ, आई वॉन्ट से टूडे बिकॉज आप दोनों आज साथ में हो, एंड यहाँ पर सलोनी शुभम को एक कैरेक्टर देंगी, जस्ट टू टू लाइन ईच, एंड इट वुड बी फन। मतलब आप दोनों से बात करो और आपसे एक्टिंग ना करो या आपसे मिमिक्री ना करो, मुझे लगता है वो तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है भाई। तो मैं शुभम कौन सा चाहेंगे कि सलोनी अभी करे? तो नानू चाहूंगा, बट उसके लिए फिल्टर की जरूरत पड़ेगी, वो है ही नहीं अभी, तो फिर कैसे करें। हाँ लेकिन हमने नानू को हम ये कहना चाहेंगे यहाँ पे, और बहुत स्मार्टली प्लग इन भी करना चाहेंगे अपनी सीरीज, जी हमने इसमें जी बड़े सारे कैरेक्टर्स किए हैं और और एक्टिंग भी की है। एक्टिंग भी की है, और भी बहुत कास्ट है हमारे अलावा, भी और भी लोग हैं। तो यस इसमें जो कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे वो कहीं नहीं देखे हैं आपने हमारे इंस्टाग्राम पर पहले, नए लोग हैं इसके अंदर, और नई तरह की कहानियां हैं। एक जैसे सोशल मीडिया पे लिमिट भी हो जाती है थोड़ी सी टाइम की, कि 90 सेकंड ही बना सकते हैं या 60 सेकंड ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि अरे जल्दी खत्म हो गया और देखना था, तो यहाँ पे 10 10 12 12 मिनट के एपिसोड्स हैं, तो आप यहाँ पे देखें फिर वो जाके, मैं कह रहा हूँ। और हमारे अनसीन कैरेक्टर्स, हमारे अनसीन जो हमने पहले कभी जोक्स नहीं किए, फ्लेवर वही है, जिस तरह की कॉमेडी हम करते हैं, जो आपको पसंद आती है उसी को आप ये समझिए, और बड़े स्केल पे हमने किया है, और लंबे टाइम के एपिसोड्स हैं, लगभग 60 मिनट का कंटेंट है, 5 एपिसोड हैं, तो वो आप जाके देखें। बाय द टाइम दिस इंटरव्यू गोज लाइव हमारी सीरीज लाइव हो चुकी होगी, तो यस यहाँ मैं आपको अपनी एक्टिंग नहीं दिखाएंगे हम। हाँ हमारी एक्टिंग अगर आपको देखनी है तो आप जाके देखें अमेजोन मिनी टीवी, वेरी स्मार्ट प्लग है ना, मैं ये देख रही हूँ। एंड अमेजोन मिनी टीवी है ऑन दी बिल्कुल अमेजोन शॉपिंग ऐप, और ये बिल्कुल फ्री है, फ्री तो आप उसके मजे उठाएं। हम फ्री जो है बिल्कुल तो सब हर कोई देखेगा। हाँ ये एक अच्छी बिल्कुल चीज है जो आपको बतानी चाहिए, मुझे लगता है लोगों बिल्कुल को एकदम फ्री हमेशा। है, शॉपिंग ऐप अमेजोन का आपके फोन में होगा ही, आप उस पे जाएं, वही मिनी टीवी का आइकॉन आपको दिख जाएगा, उस पर टैप करके हमारी सीरीज आप देखें, और फिर आए हमारे सोशल मीडिया पे, फिर हमें रिव्यू दें कि हमें ऐसी लगी, ये अच्छा ओके लगा, ये और बेटर हो सकता था, वो सब आप बताएं। चलो ठीक है, फेयर इनफ। और बाकी तो आपके सोशल मीडिया पर तो सब एक्टिव रहते ही है, जब भी आप कोई वीडियोस डालते हैं लोग देख ही रहे होते हैं, शेयर करते ही हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये शो हुआ कैसे, इसका एग्जैक्टली आइडिया या कॉन्सेप्ट जब आपके पास आया तो व्हाट वाज योर रिएक्शन लाइक? एक्चुअली हम मिनी टीवी के साथ पहले से ही काम कर रहे थे, पहले हम जी स्केचेस बना रहे थे, फिर मिनी टीवी की साइड से आया कि स्केचेस तो है ही, बट सीरीज आर वर्किंग बेटर ऑन देयर प्लेटफॉर्म, तो सीरीज बनाते हैं। एंड सबसे नेचुरल हमारे लिए वही है कि अगर हम दोनों को साथ में बनानी है तो
अब ऐसा तो है नहीं ऑन स्क्रीन हम दुश्मन बन जाएंगे या कुछ और बन जाएंगे, जब भाई बहन ही है रियल लाइफ में तो वही बनेंगे। तो उससे ही हमें आइडिया आया कि जो अभी तक हम कर और जितने भी वीडियोस हमने किए हैं अपने सोशल मीडिया पे, सारे वर्क किए हैं हमारे साथ में, तो हमें वही था कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि थोड़ा स्केल अप करें और थोड़े बड़े वीडियोस बनाएं। कुछ चीज़ें जो छूट जाती हैं, जो हम टाइम की लिमिटेशन या कोई भी और रिसोर्सेज की लिमिटेशन की वजह से पूरा, आलस हाँ ऑफ कोर्स मॉनिटरी एस्पेक्ट तो था ही यहाँ पे टू मोटिवेट अस कि या अब आलस छोड़ना पड़ेगा, वो हाँ सारी चीजें जो जो हमें करने से रोकती थी इस तरीके का कंटेंट, वो मिनी टीवी ने हमें प्रोवाइड की और हम बहुत एक्साइटेड थे ऑफ कोर्स शुरुआत से ही कि भाई ठीक है वही करना है जो करते आ रहे हैं, बट उसका स्केल बदल जाएगा और कुछ चीजें जो रह जाती थी वो अब नहीं रहेंगी क्योंकि यहाँ पे इनफ रिसोर्सेज थी हमारे पास, तो सही बात है। टीम अप होके हमने बना दिया ये। ओके एंड घर वालों का क्या रिएक्शन था? दोनों साथ में जा रहे हैं और भाई बहन ही जा रहे हैं, तो कुछ तो उन्होंने भी कहा ही होगा। हाँ उनको खुश थे वो कि चलो सही है अब दोनों साथ में जा रहे हैं, एक ही गाड़ी का तेल लगेगा और टाइम से वापस आ जाएंगे, दो अलग अलग लोगों को फोन नहीं करना हाँ पड़ेगा कि कहाँ रह गए कहाँ रह गए, घर में थोड़ी शांति रहेगी, घर दोनों ही चले दोनों ही जाएंगे, चले गए, तो वो खुश थे कि चलो दोनों साथ में गए ये साथ तो में आ फैक्ट है। अच्छा गए। देखो, हम दोनों हमारे हम सबके लिए ना, आप दोनों क्रिएटिव हो, क्रिएटर्स हो, और सब सब दोनों का अलग तरह का कंटेंट है जो लोग पसंद करते हैं, लेकिन हर एक को ना अपनी सच्चाई घर में पता होती है कि क्या है। तो दोनों में से ज्यादा क्रिएटिव असल में है कौन रियल लाइफ में, जैसे बहुत जल्दी आइडिया आते हैं? शुभम ये भी कम नहीं है, ये भी ठीक है, मतलब अभी वो सीख क्या ही रही है, उसने शुरुआत की है तो बस मेरे को हाँ इसके ज्यादा नहीं आते, बट ज्यादा टाइम हो गया है करते करते, तो आई थिंक इसलिए बस वही है कि मुझे जैसे वो मुझे लगता है कि आइडियाज हमें बराबर आते हैं, भैया को एग्जीक्यूट करना बेटर आता है। हाँ वो जैसे अच्छा कभी कभी ओके सोचना पड़ता है कि मैंने ये सोचा है पर मैं ये बनाऊं कैसे, तो हाँ, तो वहां वो पर आई हेल्प मिल जाती है। थिंक बस मैंने ज्यादा टाइम से कर रहा हूँ मैं, तो मैं सीख गया हूँ, शी विल ऑल्सो लर्न, ऐसा कुछ नहीं है। शी इज लर्निंग एनीवे। अच्छा दोनों में से पापा मी का चमचा कौन रहा है? क्योंकि ना हर सिबलिंग में होता है कोई ना कोई एक ऐसा जिसको पापा मी को जाके हर बार बताने का बड़ा होता है कि कुछ भी हुआ है बताना है जाकर, तो ऐसा कोई है दोनों में से हमारे जिसको यहाँ तो लगता हम है? सब कुछ ही बता देते हैं दोनों ही। हाँ और हमारा पहले इतना मतलब अभी भी इतने छोटे घरों में हम रहे हैं कि वो प्राइवेसी वाला स्कोप ही नहीं है हाँ कि उनसे बच के क्या ही कर लेंगे, उन्हें खुद एग्जैक्टली ही पता चल जाता है सब कुछ। ऐसा कुछ कुछ हम छुपा ही नहीं सकते, वो स्कोप ही नहीं है कि ये बिल्कुल छुप सच बात बोली है यार। हमने ना। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या छुपाया था, इन्होंने एक अपनी टेस्ट कॉपी छुपाई थी बचपन में, एक हाँ मैंने छुपाई थी, वो भी मम्मी ने अलमारी में से निकाल निकाल के पकड़ ली। और सुबह सुबह ओ पिटाई लग रही है दोनों की कि कुछ तेरे 25 में से 9 नंबर आए, तेरे इतने आए, दोनों कुछ कुछ नहीं छुपा पाते थे, हम कुछ इतने नहीं। स्कोप हाँ ही नहीं था। और डांट किसको पड़ती है सबसे ज्यादा? जो ज्यादा गलतियां करता है यानी कि मैं, तो अब मुझे ही पड़ती है, डांट तो शादी हो गई, अब कहाँ पड़ेगी डांट यार? अब तो वो कह रहे हैं कि कम बोलता है, अब तो शांत हो गया। डांट के। लेकिन अब तो ये अब नए नई वो आ गई ना मेरी वाइफ, अब वो डांटती है क्योंकि मैं तो अच्छा कभी बदल जाऊंगा एज ए पर्सन, मैं तो अभी वही हूँ अनहाइजीनिक लेजी केयरलेस, तो वो ये पहले बाकी 3 लोगों को लगता था कि वो क्यों कर रहा है ऐसे, अब उसको लगता है तो वो डांटती है। अब मुझे लगता है घर वालों को फोकस कहीं ना कहीं सलोनी के ऊपर ज्यादा चला गया होगा। उनको लगता हो एक तो संभल गया या संभल जाएगा, एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और ने ले ली है, इसको हम पर करते हैं। बचपन से इग्नोर ही होती आ रही हूँ, सही एंड द सेकंड चॉइस ना। बात है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, कोई भी ऐसा, क्योंकि जब हम शूट करते हैं तो बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो यादें हमारे साथ रह जाते हैं और आपको याद रहता है हमेशा कि एक ऐसी चीज हुई थी, मजेदार चीज हुई थी जिस वजह से वो आपको याद है। कोई ऐसा बीपीएस मोमेंट रहा है इस शूट के दौरान जो आपको लगता है कि आप हमेशा आप दोनों को याद रहेगा, कोई कोई भी फन मोमेंट? मेरा तो एक वही था कि हम दोनों की रियल में तो हम बहुत कम लड़ते हैं ऐसे, और कभी भी ऐसे तो लड़ाई नहीं हुई कि लात घूंसे चल गए, बट अच्छा उसमें शो में हमने एक सीन था जो ट्रेलर में भी है, जिसमें मैं भैया के ऊपर चढ़ के उनमें घूंसे बजा रही हूँ, तो हमारे यस डायरेक्टर ने बोला कि नहीं भाई ये रियल नहीं लग रहे हैं, घूंसे तो सच में मारता हूँ, मैंने मारा। तो वो मुझे याद है कि हाँ मार उसे पिटे मजा हुए। आया, अच्छा और जो बात भैया है। ने कमर दुख रही है ये वो, मतलब वो खा ऐसे ही रहे थे कि हाँ भाई एक्टिंग के लिए तो करना ही पड़ेगा मार, राइट हाँ बट फिर उन्हें तकलीफ में देख के थोड़ा मजा आया। यस। इसमें शुभम आपके लिए कौन सा है? आई थिंक एक एक कम मैं बताऊंगा नहीं कौन से एक एक्टर थे इसमें, और उनसे बड़ा डिफिकल्ट हो गया था हमारे निकलवाना, बड़ी सिंपल सी लाइन थी, वो पता नहीं क्यों प्रेशर ले गए, पहले भी काम किया है हमने उनके साथ, सब कुछ है, बट अरे ये सब बता सब के बता तो दिया, सब ऑब्वियसली बता दिया। ऑब्वियसली कर दे रहा हूँ कि किसकी बात हो रही है, बट ठीक है वो हमको और उन्हें पता है, लोगों को नहीं पता चलेगा इतना, ठीक ठीक है, है। डोंट टेक द नेम। हाँ नेम तो नहीं लेने वाला मैं, बट बहुत सिंपल सी लाइन थी कुछ एकदम ऐसे ही कि
मतलब फंक्शन अब लाइन थी, लाइन भी बता लाइन नहीं दी। बताऊंगा मैं, मतलब जोक भी नहीं था, एकदम सिंपल फंक्शन लाइन थी कि कैसे हो, क्या कर रहे हो टाइप की। वो अटक हाँ के पता नहीं क्यों हो जाता है कई बार एक्टर का भी, तो वो ले ही ना पाए उसको, और हम थोड़ा सा शेड्यूल से लेट चल रहे थे, तो टाइमिंग के भी इशू है, और बड़ा क्रंच सा मोमेंट था वो हमारे लिए कि भाई निपटाओ करो कैसे भी, और वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, स्टक ही हो गए एकदम ही की मतलब। और ये भी नहीं कि कुछ उन्हें ऐसा डिफिकल्ट करना है, बेसिक हाँ करनी और कर नहीं पा रहे हैं। और उसमें मैं क्योंकि उनको लेके आया था, मेरे को सब देख रहे हैं कि ये क्या है, और डायरेक्टर अलग प्रेशर में है कि भाई क्यों नहीं हो पा रहा है। तो वो जो सिचुएशन बनी थी वो फनी भी थी कहीं ना कहीं, कि अरे यार ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि कोई डिफिकल्ट राइट चीज करते में अटकता है तो समझ में आता है कि हाँ यार ये तो मुश्किल ही था, बट आसान सी चीज पे वो अटक गए, और होता है ना वो मोटर वहीं अटक गई उनकी, उनको बार बार बोले फिर से करो फिर वही चीज कर दे, फिर से करो फिर वही चीज कर दे, तो बहुत फनी भी था, और डायरेक्टर हमारा गुस्सा हो रहा है तो हमें और क्योंकि उसको। आप लेके गए थे तो आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं वो प्रेशर हो गया था उस टाइम अरे की। मुझे ऐसी सिचुएशन में हंसी आ जाती है, मैं मेरे लिए मतलब मुझे ठीक है क्या ही कर ले, डायरेक्टर मारेगा थोड़ी मुझे कि ये क्या ले आया है, सही कराया बात है। मिस्त्री, तो हाँ मुझे हंसी आ रही है कि अरे ये क्या हो रहा है। तो वो एक मेरे लिए था कि पता नहीं कैसे वो सिचुएशन हुई, और बट हाँ समहाउ निकाल लिया हमने, अभी देख के किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी लाइन की बात हो रही है। ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक ऐसे पता चलेगा जिस तरह से आपने बताया और जिस तरह से सलोनी ने आपको बारह बोला कि हाँ ये अभी लाइन ही बता देंगे, अभी यही बता देंगे, तो और शांत हो गए। निकलवा लिया था आपने, बट लेकिन निकलवाना आई थिंक था। ये हर शूट में और हर शो में हर फिल्म में एक ना एक सीक्वेंस ऐसा हमेशा रहता है जो हाँ एक्टर वो से पहले एकदम ही सुना है, जैसे कोई ना कोई वेलकम में अटकता दिखाया है। ना, वेलकम में जो दिखाया है मजनू भाई आते हैं हाँ घोड़े पर चढ़ घोड़े के, पे उनका हाँ, वही है, अरे वापस नहीं चल रहा ना ये, तो मैं क्या जाओ करूँ। वापस जाओ, तो उस तरीके का मोमेंट था वो उदय भाई हाँ टाइप। बट ऐसी चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको आगे याद रहती है जो आप भूलते नहीं हो कि ऐसा भी हुआ था और जी इस तरह का प्रेशर या इस तरह का मोमेंट भी आया था जब हंसी रोक नहीं पा रहे थे और ऐसा कुछ हुआ था। तो या बट एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि ट्रेलर मैंने भी देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा है, पसंद किया है और दोनों के अपने इंडिविजुअल फैंस रहे और जो अब सबको एक ट्रीट मिल गया कि दोनों साथ में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट सब में बनी हुई है। एंड शो आपका रिलीज हो गया है एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शो को देखें और अपना प्यार दें। और जैसे कि आपने आज हमें एक्टिंग दोनों ने करके नहीं दिखाई और बहुत स्मार्टली आपने अपने शो आपको को शो प्लग देखना इन पड़ेगा। किया है ना, तो आई जस्ट होप कि लोग उससे बहुत खुश हो एंड देन आपके इंस्टाग्राम डीएम में आपको मैसेज कर करके बोले कि हमें ये पार्ट सबसे अच्छा लगा या वो पार्ट सबसे अच्छा लगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू बोथ फॉर दैट एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी यू बोथ ऑन स्क्रीन नाउ। थैंक थैंक यू यू, थैंक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। यू, थैंक थैंक यू। यू।